हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी बी यम्मी बी बाय पायल गई। फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सैंडविच रोल। आपने बहुत तरह के सैंडविच खाए होंगे। नॉर्मली जो सैंडविचेस हम बनाते हैं घर में, आज हम बाजार में हम लेते हैं और हमारे ट्रायंगल के शेप में होते हैं, पर आज हम इसे एक नया ट्विस्ट देके बनाएंगे रोल के फॉर्म में। ये बनाने में भी बहुत ही इजी है, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएंगे ये सैंडविच रोल्स हमारे, और साथ साथ आप इसे आप टी टाइम स्नैक्स में भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही सिंपल हैं, जिससे ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपने सैंडविच रोल्स को। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अब बनाना स्टार्ट करेंगे अपना सैंडविच रोल। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आटा ब्रेड। आटा ब्रेड हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है, आप इसकी जगह आटा की ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके लिए फिलिंग बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कॉटेज चीज़, जिसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इसमें हम ऐड करूँगी बॉइल्ड और मैश करे हुए पोटैटो, हाफ कैप्सिकम, एक ऑनियन कटा हुआ अच्छे तरह से, इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड करिएगा। इसमें ऐड करेंगे अमचूर पाउडर, चाट मसाला, थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। टमेटो केचप, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हमें अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हमारे जो सारे स्पाइसेस हैं और हमारा जो पनीर और हमने इसमें बॉइल्ड पोटैटो डाला है, अच्छे से उसमें सबका टेस्ट आ जाए। पोटैटो को आप स्पून की हेल्प से मैश कर लीजिए अच्छे से। ये फिलिंग हमारे अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो गई है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम अपने सैंडविच रोल बनाने के लिए यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस को हम कट करेंगे। इस हम यहाँ से कट करेंगे साइड्स। ये साइड्स जो हमने कट करे हैं, ये हमारे वेस्ट नहीं जाएंगे, जब भी हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब रोलिंग पिन की हेल्प से हम इसे बिल्कुल पतला पतला यहाँ पे रोल कर लेंगे ब्रेड को। यहाँ पे ब्रेड हमारी अच्छे से रोल हो गई है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ग्रीन चटनी, अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी मेयोनेज़, मेयोनेज़ का जो टेस्ट है बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने एगलेस मेयोनेज़ यूज़ करी है। अब हम अपनी फिलिंग यहाँ पे ऐड करेंगे। फिलिंग को यहाँ पे अच्छे से सिलेंड्रिकल शेप में आप इसे रोल कर लीजिए और इसको यहाँ पे ब्रेड में आप प्लेस कीजिए। ब्रेड को हम स्टार्ट करेंगे रोल करना। ब्रेड को अच्छे से हमने रोल करना है ताकि हमारी फिलिंग बाहर नहीं आए।
ये हमारे सैंडविच रोल की जो हमने फिलिंग रेडी करी थी ब्रेड में रोल करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा बटर लगा के इसको तवे पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप बटर लगाइए तवे पे और एक एक करके अपने रोल को इसके ऊपर आपने प्लेस करना है। दोनों साइड से ये अच्छे हो जाएगा, अच्छा कलर आ जाएगा और ऊपर से भी आप इस पर थोड़ा सा बटर हल्का सा ब्रश कीजिए। अब हम इसे चेक करेंगे साइड को फ्लिप करके। ये देखिए यहाँ से हमारा ये कितनी अच्छी तरह से इस पर जो हमने बटर ग्रीस किया था उसे बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। सारे रोल्स को हमें फ्लिप करना है। यहाँ पे एक साइड्स में और थोड़ा सा बटर हम यहाँ पे लगाएंगे। ये रोल्स हमारे बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें तवे पे से बाहर उतारेंगे। ये हमारे सैंडविच रोल बनके बिल्कुल ही रेडी हो गए हैं। आप इसे अपनी फेवरेट डिप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ आप इसे ट्राई कीजिए। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये हमारे सैंडविच, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूँगी एक और हेल्दी और यम्मी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।